हेलो गाइस, तो क्या सब, क्या आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, आज का जो हमारा वीडियो है वो है मलेशिया से सिंगापुर कैसे जाए टूरिस्ट वीजे पे। अगर आप सिंगापुर में टूरिस्ट वीज़ा करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेसेस है, तो उसमें हम आपको पूरी डिटेल में बताएगा। तो गाइस, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करता है, वीडियो को शेयर जरूर करता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें दो तरीके हैं सिंगापुर में जाने के लिए, जैसे थाईलैंड के लिए ऑन अराइवल वीज़ा, इंडियन के लिए मलेशिया में भी ऑन अराइवल वीज़ा है, कभी कभी ये बंद भी कर देते हैं, ई वीज़ा होता है या फिर ऑन अराइवल वीज़ा मलेशिया खोल देती है। लेकिन सिंगापुर में इंडियंस के लिए ऑन अराइवल वीज़ा नहीं है, उसके लिए आपको एम्बेसी में जाना पड़ेगा सिंगापुर की, या फिर आप किसी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू आप जा सकते हैं, वो ट्रैवल एजेंसी आपका सारा काम करके देगी, उसकी आपको फीस वगैरह आपको पे करनी है जिस भी ट्रैवल एजेंसी से आप कॉन्टैक्ट करते हैं। तो सिंगापुर में जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, आपकी जो ट्रैवल एजेंसी है वो आपका फॉर्म फिल करवा देती है, उसमें 6 घंटे का टाइम होता है, जो मतलब स्टैंडर्ड टाइम है 6 घंटे का है। इसमें फीस की बात करें तकरीबन ये $60 है। उसके अलावा फिर अगर आप आपको जल्दी चाहिए, 3 घंटे में चाहिए या फिर आधे घंटे में चाहिए, तो उसकी फ़ीस एक्स्ट्रा हो जाती है, मतलब डबल हो जाती है। तो आपके ऊपर, आपको एक दिन में चाहिए, दो दिन में चाहिए, जब आपका वहाँ पर अप्रूवल हो जाता है, जब आपका वीज़ा अप्लाई किया जाता है, तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आपको बता देता हूँ। जो आपका पासपोर्ट है 6 मंथ वैलिड होना चाहिए सबसे पहले, तो अगर आप मलेशिया में रह रहे हैं। उसके अलावा आपके पास मलेशिया का वर्क परमिट होना चाहिए, और आपके पास जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आप लेके जाएंगे वो मैक्सिमम 3 मंथ के अंदर की होनी चाहिए, 3 मंथ से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साफ़ फ़ोटो आपकी होनी चाहिए, क्योंकि जो सिंगापुर के कानून है वो आगे बहुत स्ट्रिक्ट कानून है, आप वहाँ पर 1 घंटा भी इलीगल नहीं रह सकते। अगर आप वहाँ पर इलीगल हो गए तो वो जेल में डाल देंगे, वहाँ के बहुत स्ट्रिक्ट कानून है, तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है अगर आप टूरिस्ट वीजे पे जाते हैं। क्योंकि मलेशिया के अंदर तो आपको पता है बहुत सारे भाई आ जाते हैं और इलीगल हो जाते हैं और फ्री माइंड करके यहाँ पर रहते काम करते हैं, लेकिन सिंगापुर में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप सिंगापुर में टूरिस्ट वीजे पे जाते हैं तो वहाँ के आपको जो कानून, वहाँ के जो लोग, आपको पूरी तरह फॉलो करने पड़ेंगे, नहीं तो आपको 1 घंटे के अंदर आप जहाँ पर भी होगे वहीं से उठा के लेके जाएंगे। तो आपको ये ध्यान में रखना, आप अगर वहाँ पर टूरिस्ट वीजे पे जाते हैं तो आप अपने जो भी प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, आपने जो भी साइन किए उनका आपको जो नियम है वो फॉलो करना है। तो इसमें जब आप सिंगापुर एयरपोर्ट पे जाएंगे, वो जो डॉक्यूमेंट्स आपके चेक करेंगे, आपका जो पासपोर्ट है 6 मंथ वैलिड होना चाहिए, आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए, दूसरा आप मलेशिया से जा रहे हैं तो आपके पास मलेशिया का वर्क परमिट होना चाहिए, और आपका जो बैंक स्टेटमेंट है, अगर आप इंडिया से हैं तो आपको इंडिया का बैंक स्टेटमेंट मैक्सिमम इंडिया का 1 लाख रुपया आपके बैंक स्टेटमेंट में होना चाहिए, और आप डेबिट कार्ड लेके जाते हैं और जो शो मनी लेके जाते हैं वो आपको वहाँ पर एयरपोर्ट पे दिखानी पड़ेगी। उसके अलावा फिर अगर आप मलेशिया से जा रहे हैं ना, तो मलेशिया का अगर आपके पास बैंक अकाउंट हो उसमें कम से कम 4,000 मलेशियन रिंगिट होने चाहिए, तब आपको एंट्री मिलेगी। अदरवाइज अगर आप मलेशिया का बैंक अकाउंट है उसमें आपके पास पैसे नहीं है और आप सो मनी लेके जाते हैं तो उसमें आपको एंट्री नहीं मिलेगी। और तीसरा नंबर, सिंगापुर में आप जहाँ रुकेंगे आपका फूड अकोमोडेशन आपने जो बुक किया हुआ है उसकी आपको प्रिंट निकलवा के लेके जाना है। चौथे नंबर पे आपको कोविड टेस्ट लेके जाना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं PCR टेस्ट भी आपको लेके जाना पड़ेगा, वो मैक्सिमम 48 घंटे के अंदर का होना चाहिए। जब आप जाते हैं मतलब 2 दिन के अंदर का आपके पास कोविड टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए, तभी आपको सिंगापुर में एंट्री मिलेगी। अगर आप इनमें से एक भी डॉक्यूमेंट मिस कर देंगे ना तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए है, तो सिंगापुर का वीज़ा इंडियंस के लिए है, अलाउड है, आप चाहे ट्रैवल एजेंसी से अप्लाई करें या फिर आप एम्बेसी में जाए। एम्बेसी में क्या होता है कि आपसे ज़्यादा सवाल होते हैं, आपसे पूरी मतलब पूरी डिटेल इंक्वायरी ले जाती है, तो आप ऐसा करें, आप किसी ट्रैवल एजेंसी में जाएँ, वहाँ से अप्लाई करें, सिंगापुर का वीज़ा आसानी से मिल जाता है। बहुत भाई मलेशिया से सिंगापुर जाते हैं घूमने फिरने के लिए, तो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आप किसी ट्रैवल एजेंसी से कॉन्टैक्ट करें। ट्रैवल एजेंसी में आपको बता देता हूँ, GS वाले भी भेजते हैं और KL में काफ़ी सारी एजेंसी है, आप उनसे कॉन्टैक्ट करें, ना कि किसी एजेंट पे विश्वास करें। एजेंट मलेशिया के अंदर पैसे मार लेते हैं, एजेंटों पे विश्वास नहीं करें, आप किसी जो प्रॉपर ट्रैवल एजेंसी है उनसे कॉन्टैक्ट करें, वो आपको भेज देंगे। दूसरा फिर आप अगर आप खुद जाना चाहते हैं तो आप एम्बेसी के थ्रू भी जा सकते हैं। तो गाइस, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, अगर वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो शेयर जरूर करना, और अगर किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना है तो प्लीज़ कमेंट करें और मुझे सपोर्ट करें। तो जय हिंद, वंदे मातरम, ठीक है गाइस।